इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने। श्याम महमूद कुरैशी को खूब तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद श्याम महमूद कुरैशी ने भी बिलावल भुट्टो पर खूब तनकीद की। दोनों ने एक दूसरे पर कैसे जुमले कसे, जरा देखिए। ये बजट सेशन हर पाकिस्तानी का इंसल्ट रहा है और जनाबी स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, जो आपका चेयर का किरदार था हमारे ख्याल में नामुनासिब था। आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ पूरा कौम को नजर आता जनाबी स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। बजट के वोट के वक्त अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे बताएं, ये अगर धांधली नहीं है तो क्या है। रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर की जात पर हमला नहीं किया जा सकता। स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है, तरीकाकार क्या है, क्या आप स्पीकर से एंगेज करते हैं उसके चेंबर में। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप। सिंध में आपकी एक शरीयत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया। सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुख्सत हो जाता है। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है, स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, आईना दिखाते हैं देखते नहीं है। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उसका तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचाने का कि क्या चीज है कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टैप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको जी भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा, अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे। मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान जब्त करके आया बैठा हूं यहां। दो चार पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है। कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। फिर बिलावल भुट्टो ने कल भी शहबाज शरीफ के ईवान में आने पर तनकीद बहुत की और आज भी तनकीद की, जरा सुनिए बिलावल ने क्या कहा। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद है वो बजट में भोंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। ऑपोजिशन अफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज्ब इख्तलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामेंट में मौजूद हो। प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर पर तो ईवान में माहौल बहुत अच्छा नज़र आया, लेकिन ऑपोजिशन एक बार फिर से हमें डिवाइडेड नज़र आई। कल नबील गबोल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर आज भी शहबाज शरीफ कौमी असम्बली नहीं आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर खुली जंग होगी। तो ऑपोजिशन तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, PDM का जो मुस्तकबिल है वो सबको नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाई हुई है इंतखाबी असलाहत के मसले को लेकर। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया कार मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, बाज़ाहिर तो अच्छा माहौल था जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, लेकिन आज जो ताबड़तोड़ हमले किए बिलावल भुट्टो ने और शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे पर, माजी याद दिलाते रहे, बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद कुरैशी को उनका माजी याद दिलाया, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते रहे तुम्हें मैं तब से जानता हूँ जब तुम बिल्कुल छोटे थे। सर जी, ऑपोजिशन की एक हमें डिविजन तो बिल्कुल नज़र आ रही है। आज आपने देखा, आज भी बिलावल भुट्टो ने तनकीद की शहबाज शरीफ पर कि वो असेंबली नहीं आए, कल भी उन्होंने तनकीद की, क्या ये जस्टिफिकेशन माननी नहीं चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वाकई मजबूरी है, मियां तारिक शफी का इंतकाल हुआ इसीलिए वो नहीं आ सके, या अब हम ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल आमने सामने है। देखिए, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत है। बिलावल भुट्टो
जरदारी साहब को ये बात समझनी चाहिए थी कि तारिक शफी साहब के इंतकाल की वजह से शहबाज शरीफ साहब असम्बली नहीं आ सके, इसलिए उनसे शिकवा बेसूद था। और वैसे भी अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत नहीं है, एक शख्स आए या ना आए उससे कोई हालात पर फर्क नहीं पड़ता, बजट तो उसी तरह से मंजूर हो जाना चाहिए था और वो हो गया। तो बिलावल भुट्टो अपना एक लहजा रखते हैं और वो हर बात में से एक बात ने... तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की उम्र है 32 साल तकरीबन, और भारत के राहुल गांधी की उम्र लगभग 50 से ऊपर हो चुकी है, और दोनों के बीच काफ़ी कंपैरिजन होता था पास्ट में, लेकिन इस रेस में अब बिलावल भुट्टो मुझे लग रहा है आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो का जो लहजा है, जो एक्सेंट है, जो उर्दू बोलने का, वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी वो बाहर से हुई थी, और उसके बाद से ही ये उर्दू उतनी अच्छी नहीं बोल पाते, लेकिन जब ये इंग्लिश में स्पीच देते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीच देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा बिलावल भुट्टो किस तरीके से एक मजे हुए जो लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी, जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, मतलब जिसकी गवर्नमेंट उसी में ये आके सेट हो जाते हैं। ऐसे कई लीडर हैं पाकिस्तान में, शेख रसी, शाह महमूद कुरैशी, ये मतलब बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे। तो बिलावल भुट्टो ने वही टाइम याद दिलाते हुए बोला कि मुझे पता था कि ये तब फॉरेन मिनिस्टर था, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हमने इसे पार्टी से निकाल दिया। और इसी तरीके के इल्ज़ाम इन पर अभी फिर लग रहे हैं। इनको पहले बोला गया था कि आपको पंजाब का प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, जो कि जिसकी आबादी लगभग 11 से 12 करोड़ के बीच में है। तो वो भी आप समझ सकते हो, 11 से 12 करोड़ की आबादी वाला अगर कोई स्टेट है तो वो उसका सीएम काफ़ी पावरफुल होगा, और पाकिस्तान में पंजाब ही मेन पावरफुल है, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो पंजाब जीतता है वो सब कुछ जीतता है। तो दोस्तों ये जो इस डिबेट में आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने, भले उनका लहजा अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे थे, डेफिनेटली ये 32 साल की उम्र में काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। हालांकि अगर इनकी पुरानी स्पीच देखें, मतलब 5-5, 6-6 साल पुरानी, जब ये बिल्कुल टीनेजर से यंगस्टर थे, तो इतनी अच्छी स्पीच नहीं थी, उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, अब लेकिन इनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इनके पास एक सार्केज़म है, जो कि मतलब एक्चुअली में लगता है कि ये कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आपने राहुल गांधी में नहीं देखा होगा। आप अगर आप राहुल गांधी को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके पीछे कई लोग बताने वाले, मतलब 51 साल की उम्र में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया, अगर वो मेच्योर होते तो फिर इम्प्रूवमेंट आ जाता। हालांकि राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी काफ़ी मेच्योर दिखती हैं, लेकिन राहुल गांधी में आपने इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप मेरे व्यू से डिफ़र कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को मैं मतलब नीचे कह रहा हूँ, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का कंपैरिजन होता था, ट्विटर पर भी वीडियो पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।